Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. This vlog is not going to be a travel vlog. So, आज मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा लाइक एक व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा मन था. एंड एज आई एम नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, सो आई थॉट कि एक नॉर्मल व्लॉग ऐसे जो दोस्तों के साथ घूमने वाली हूँ, इधर उधर जाने वाली हूँ, सो लेट्स मेक वन व्लॉग. हेलो, चलो भित्र हो जाता हूँ कूड़ी भित्र था. कि आप लोगों ने देखा लाइक पूरा वीडियो में, हम आए एक चंद्रशेखरपुर में, भुवनेश्वर में चंद्रशेखरपुर में एक है मोनार्क करके, तो दोस्तों के साथ थोड़ा आई हूँ लंच करके. फिर से लाइक एक मॉल जाने का प्लान है, तो वहाँ भी हम खाना ऑर्डर किए हैं, तो खाने के बाद बताती हूँ रिव्यू, क्योंकि मुझे एक कॉमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था कि लाइक कहाँ पर जाते हो, उसका फूड कैसा है, तो रिव्यू थोड़ा देना. तो या सो खाने के बाद मैं आपको थोड़ा पूरा अच्छे से रिव्यू दूंगी कि कैसा लग रहा है, फूड कैसा है जगह. इसका एम्बियंस तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है, रियली एंजॉयिंग इट हियर. लोग देख रहे हो लाइक इतना महापुरुष है, यहाँ पे बैठ के अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और हम खाने आए और ये ऑनलाइन क्लास बैठ के कर रहा है. एंड क्लास का ये भी एक फ़ायदा है लाइक कहीं भी बाहर जाओ, बैठ के खाओ पियो जो भी करो, बैठ के आप लोग एक ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, उसके साथ मज़े भी कर सकते हो. लाजा हो चुकाएगी. अरे दिनों से मॉल वगैरह सब बंद थे, तो बहुत नहीं आए थे कितने दिनों से मॉल, आज बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये भुवनेश्वर में एक जो एस्प्लानेड है वही है, वहीं पे आए हैं. तो ये वाला पूरा जो है पूरा फूड कोर्ट का एरिया है. हम थोड़ा आज लाइक खेलने आए हैं यहाँ पे टाइम जोन है, तो वहाँ का थोड़ा सा क्लिप्स भी लूँगी एंड लाइक देखते हैं क्या क्या गेम्स हैं. तो बहुत दिनों बाद आए हैं हम, थोड़ा सा गेम्स वगैरह खेलेंगे. पता है लाइक ये वाला जगह मेरा सबसे फेवरेट जगह है. काश मैं अभी लाइक मैं जब लाइक छोटी थी तो ऐसे बहुत सारी जगह में मैं खेलती थी, अभी अगर मैं छोटी होती तो लाइक फिर से वहाँ पे जाके खेलती, बिकॉज ये वाला ना सबसे फैसिनेटिंग लगता है एंड बहुत सुंदर भी लगता है. तो ये वाला जो है पूरा लाइक प्ले जोन है, तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या खेलना है. बहुत सारा तो अच्छा अच्छा चीज़ें हैं, बट हमें वो जो वाला जो गेम है दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वाला जो बॉलिंग है अभी ये वाला करने वाले हैं. हाँ
आउ खाली गोटे गोटे रही गला अभी देखते हैं। अभी तो फिलहाल लीड कर रहा है, मैं सेकंड में हूँ, श्रेष्ठा साइड मतलब ये जो है ये थर्ड में है और ये फोर्थ में, देखते हैं कौन जीतता है लास्ट में। एक बोटे तो मिस कर बे, सब पकेले थोड़ी हो वो, वैसे ही ब्लास्ट करनी हो। जाओ जाओ बोटे मिस लीड लीड ये लास्ट में गिराते हुए इसके बाद दिखा जाएगा कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। किए तो दीदी बोलो, गेम अभी खत्म हो गया एंड फर्स्ट कौन आया, ये विनर है, फिर सेकेंड विनर ये है, फिर थर्ड हूँ। अरे तमें जी में खेलो ने, हाँ गए थे एक जगह पे शॉपिंग करने, जहाँ पे मैं लाइक शॉपिंग कर रही थी तो वीडियो थोड़ा सा शूट करना ही भूल गई, तो अभी घर लौट रहे और देख रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। घर मुझे पहुँचते पहुँचते लाइक 30 मिनट्स अप्रोक्स लगता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से 1 आवर के ऊपर ही लग जाता है, तो पता नहीं कितने टाइम यहाँ पे रहना पड़ेगा। लाइक भुवनेश्वर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता था, लेकिन पता नहीं है लाइक कोरोना जब से हुआ है उसके बाद से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा। उसका मुझे रीज़न एक लगता है कि लाइक लॉकडाउन ज़्यादातर रहता है तो लोग घर में बैठ के बोर ही हो जाते हैं, एंड अभी अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन खुला है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिए तो शायद उसके वजह से भीड़ ज़्यादा है। एंड हाँ, कार ये जैसे बोल रहे कि कार मतलब लोग ज़्यादा कार में जाना प्रीफर कर रहे हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। सो मैं जस्ट लाइक हाफ एन आवर पहले आके पहुंची एंड मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड थी, तो लाइक पहुंचते ही और कुछ ब्लॉग नहीं किया, आई थॉट कि फ्रेश हो जाती हूँ उसके बाद अच्छे से लाइक एंड कर दूंगी वीडियो को। जनरली आपको मैंने जैसे दिखाया इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बहुत देर हो गया मुझे पहुंचते पहुंचते, अराउंड 7:45 हो गया। तो इतने दिनों बाद आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड अ लॉट। होता है ना जब लाइक हम बच्चे थे या फिर बचपन में ज़्यादातर हम बहुत सारे चीज़ें करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, खेलते थे, बहुत सारा चीज़ें करते थे, बट बड़े हो जाने के बाद क्या होता है, रियली फॉरगेट हाउ टू चेरिश द मोमेंट्स और लिव इन द मोमेंट्स। एंड बहुत सारे जगह पे जहाँ पे हम खुले मन से एंजॉय कर सकते हैं, हम एंजॉय नहीं करते हैं। ये जब छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, दोस्तों के साथ जाओ, कुछ खेलो, ऐसे कुछ करो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद 11th 12th में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बट अगेन जब ये छोटी छोटी चीज़ें फिर से होती है तो एक नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आता है ना, रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड एक बात मुझे समझ नहीं आती है, जब भी मेरा कहीं भी जाने का प्लान होता है, कहीं भी ले लो, लाइक ये जो आप देख रहे हो ये पिंपल निकल जाता है, मतलब होता है मतलब घर में जितना रह लो कुछ भी कर लो पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे, लेकिन जब भी आपको कहीं बाहर जाना होता है, एक पता होता है कि ना बाहर जाओगे तो एक दो फोटोज तो खींचोगे तो कहीं ना कहीं से भी एक पिंपल तो जरूर निकल जाता है। आप लोग भी कमेंट डाउन करो अगर आपके साथ भी ये सब चीजें होता है, एंड इट्स रियली सो मच इरिटेटिंग, पता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है फिर भी लाइक
एक ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है सबको. सो या सो गाइज दिस मच फॉर दिस ब्लॉग. आई होप यू विल लाइक इट. अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. So many things that I love.